आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लंबे समय बाद राजीव भवन में उत्सव का माहौल है। कारण है पड़ोस में सरकार वापस आई है। जो एक सेट ट्रेंड था हिमाचल का, उसी को जनता ने फॉलो किया और इस दफ़ा कांग्रेस को सत्ता सौंपी है। कितनी बड़ी जीत है और पड़ोस में कांग्रेस कैसे उत्सव न मनाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य में सरकार वापस हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस समय मौजूद हैं। कितनी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस जो उत्तर भारत से धीरे धीरे जा रही थी, फिसल रही थी। आज भी गुजरात में प्रदर्शन ठीक नहीं है। राहुल गांधी अपने कदमों से भारत को नाप रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाए, बावजूद इसके जनता ने आपको सत्ता सौंप दी। इसके अनेकों कारण हैं। पहले तो मैं जीत की बधाई सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ, हिमाचल के नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहता हूँ। और ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका राज्य हम जीते हैं। बीजेपी के पोस्टर बॉय जो वहाँ के अनुराग ठाकुर हैं, उनका राज्य हम जीते हैं। और ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, ये जीत है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की। अभी लोगों को समझने में समय लगेगा। जिन राज्यों के लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ असर दिख रहा है। मुझे सौभाग्य मिला कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का पहला विधायक था मैं पूरे देश का जिसने इस मामले को उठाया। राहुल गांधी जी ने मुझे पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा, करण इसको हम अपने राज्यों में लागू करते हैं। दो राज्यों में राहुल जी ने इसको लागू किया और प्रियंका जी उनका संदेश लेके हिमाचल आए थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी जहां जहां कांग्रेस की सरकार आएगी। और उसका असर ये रहा कि कर्मचारी, उनके परिजन कांग्रेस पर भरोसा करके उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस को मैंडेट दिया और हमारी जीत हुई। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में दूसरी बातें हैं, हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। बीजेपी की जो बी टीम है आप, वो 17% शेयर ले गई और इनकी मिली भगत ये सब जानते हैं। उत्तराखंड में आप देख लीजिए, कर्नल खोटियाल इनके राज्य के अध्यक्ष, इनके उपाध्याय जी, दीपक बाली जी सब बीजेपी में शिफ्ट हो गए चुनाव के बाद। और दिल्ली की सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बन रही होती है, आपको आगे कर देते हैं। जैसे पंजाब में, जैसे अकाली दल ने इनसे समर्थन वापस लिया, बीजेपी ने अपना बोर्ड शेयर जो है वो आपकी तरफ शिफ्ट कर दिया, उनको लिया है। तो आज भी गुजरात में अगर आप नहीं होती तो स्थिति कुछ और होती। और आप ये भी देख लीजिए कि दोनों का एजेंडा भी एक है। जैसे ही आपकी सरकार पंजाब में बनी, पहले दिन ही जवाहरलाल नेहरू और गांधी की तस्वीर जो है ऑफिस से हटाई गई, तो बीजेपी और आप एक ही हैं। मुखौटे अलग अलग हैं, जहाँ बीजेपी अपने नाम से नहीं जीतती, वहाँ अपने दूसरे नाम की बीजेपी जो है आप पार्टी उसको आगे कर देती है। और ये सेट ट्रेंड है और हल्के हल्के ये कलई भी लोगों के सामने खुलेगी, जनता इसको समझेगी और आने वाले टाइम में कांग्रेस वापस आएगी ताकि कर्मचारियों का हित हो सके। चतुर श्रेणी कर्मचारी की नौकरियां जिस बीजेपी ने ख़त्म कर दी, जिस बीजेपी ने पुरानी पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी, जिस बीजेपी की सरकार में डॉलर 83 रुपये का पहुंच गया, जिस बीजेपी की सरकार में वीआईपी को बचाने के लिए जो उत्तराखंड में नंगा नाच हुआ है, जिस बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लोग बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग उसके पक्ष में क्यों जाएंगे? केवल और केवल दूसरे मुखौटों को लेकर बीजेपी अभी चुनाव जीत रही। आने वाला समय वापस कांग्रेस का होगा, जिसकी लोकप्रिय सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसकी सरकार में लोगों को रोजगार मिलता था, जिसकी सरकार में अमन और चैन था। आज पोलराइजेशन ऑफ वोट, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पॉलिसी चल रही हैं, लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, उन सब से जनता हल्के हल्के त्रस्त होगी। और हर माँ और हर बाप अपने बेरोजगार बच्चों को देख रहा है, वो समझ रहा है और आने वाला समय हिमाचल जैसा पूरे देश में होगा। हिमाचल में तो एक वीडियो भी अध्यक्ष जी वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री एक कैंडिडेट को बिठाने की बात कर रहे थे। वो जब केदारनाथ आए तो उन्हें हिमाचल के परिधान पहनकर यहाँ से संदेश देने की कोशिश की। एक तरफ बीजेपी का प्रचंड वेग था प्रचार का, कांग्रेस दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इस समय चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, ये उसका असर आपको दिखता है कि देश में कुछ कांग्रेस को आप नज़र आने लगा? निश्चित ही, जिस बीजेपी ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया हमारे राहुल गांधी की इमेज खराब करने में, राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद सिनेरियो चेंज है। आज लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेने लगे हैं और राहुल गांधी ने साबित भी किया। जब अंकिता मरी, मेरे
गांव की बेटी मरी, तो केरल में भी वो हमारा आदमी नहीं भूला, केरल में भी उसने एक दिन पूरा समर्पित अंकिता को दिया। और लेकिन जो इनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी स्कूल का फैंसी ड्रेस चल रहा है। पंजाब जाते हैं पगड़ी पहन लेते हैं, हिमाचल का इलेक्शन होता तो उत्तराखंड में हिमाचली टोपी पहन के केदार बाबा से बड़े दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ आने के बाद भी मोदी जो मन की बात करते हैं, वो अंकिता की बात करना भूल गए। तो ये एक फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हल्के हल्के लोग राहुल गांधी की गंभीरता को समझ रहे हैं, उनके उठाए हुए जेन्युइन क्वेश्चंस को लोग समझ रहे हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिट किया गया है, जिस तरीके से गौरी लंकेश को मारा गया, जिस तरीके से अभिषार शर्मा से लेके अन्य पत्रकारों की नौकरियां गई हैं, ये चीज़ों का असर लंबा जाता है। समय इस समय भले ही हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के फेवर में खड़े होंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा अच्छे कार्य करती रही है, राष्ट्रहित के कार्य करती रही है। और एक पार्टी वो है जो दिखाती कुछ है करती कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है सेंगर आ जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है अंकिता आ जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है 4 साल की बच्ची के संग रेप हो जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कलाई खुलती है, उधर राष्ट्र निर्माण 56 इंच का सीना आता है, 74 किलोमीटर चाइना घुस जाता है साहब, हमारे देश में गांव बसा लेता है चाइना, कुछ नहीं बोला जाता। नेपाल भी हमारी सीमाओं के अंदर प्रवेश करता है, आप देख रहे हैं धारचूर में लगातार नेपाल की तरफ से पथराव हो रहा है। तो ये 56 इंच का सीना दिखाना और वाकई में होने में फ़र्क है। तो लोग समझ रहे हैं हल्के हल्के कांग्रेस की बयार आएगी, वापस भारत के अच्छे दिन आएंगे। अभी बीजेपी के अच्छे दिन चल रहे हैं, आने वाला समय भारत के लिए अच्छा दिन होगा। जो विधायक है, मेरा आखिरी सवाल है, जो विधायक इस समय हिमाचल में, आप कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि उनको बचाना है, भूपेश बघेल पहुँच रहे हैं अभी चंडीगढ़ और एक चार्टर्ड प्लेन तैयार किया जा रहा है, राजीव शुक्ला भी पहुँच रहे हैं, सारे विधायकों को सहेजने की कोशिश हो रही है, क्या खतरा है, क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? निश्चित नहीं जा सकते की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चली, आप देखिए एमसीडी का चुनाव हुआ है दिल्ली में, उनको मैंडेट नहीं मिला, लेकिन वो उनके प्रवक्ता हर जगह कह रहे हैं नहीं हम अपना मेयर बना लेंगे। मतलब क्या है, खरीद फरोख तो है। बीजेपी की 9 साल की सरकार हुई है, 8 साल की, और 9 स्टेट से चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई हैं। तो निश्चित ही ऐसा, जब जहाँ एक राक्षस सामने बैठा हो जो जनमानस को खाने के लिए तैयार बैठा हो, तो वहाँ जनमानस की जिम्मेदारी है कि अपनी रक्षा करें। और उसी कवायद में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए बघेल साहब और जो हमारे शुक्ला साहब हैं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का भरोसा नहीं, धन पशु हैं, पैसा बहुत है, और हो सकता जो लोग 8 साल के कार्यकाल में 800 करोड़ का अपना ऑफिस बना लें, हर जिला मुख्यालय में जमीनें, करोड़ों की जमीनें खरीदने में जो लोग कामयाब हो गए, आखिर इतना अकूत धन आया कहाँ से? तो ऐसे धन पशुओं से अपनी पार्टी को और लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। तो ये थे करण मेहरा, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर जो हिमाचल में जो बड़ी जीत मिली है, उससे पार्टी का जो मोराल है वो तो अप हुआ ही है। और एक तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, तो उम्मीद इस बात की भी कांग्रेस रख रही है कि आने वाले समय में उनका भी एक और आप बदलेगा, लोग उनकी तरफ जुड़ते चले जाएंगे। और आज का दिन कांग्रेस के राजीव भवन में उत्सव का दिन रहा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।